हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का फुल सिलेबस। और ये यूपीपीएससी के सिलेबस का 27वां पार्ट है, जो टोटल 32 पार्ट है उसमें से। इसके बाद हमारे सिर्फ 5 पार्ट बचेंगे। दोस्तों, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल भी वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, एनवायरमेंटल अप्रेजल, इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल, प्रोजेक्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। आइए पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ क्रूशियल फेज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग प्रोजेक्ट स्कोप, ऑब्जेक्टिव, टास्क टाइमलाइंस एंड रिसोर्स रिस्क। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम प्लानिंग की बात करते हैं टाउन प्लानिंग में, तो अगर हम एक बेसिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए मुझे कोई एक घर बनाना है, ठीक है। अब घर में कुछ फाउंडेशन होगी, उसका क्या स्कोप रहेगा, उसके क्या हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, या कोई फ्लाईओवर आपको निर्माण करना है उसके क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आपकी टाइमलाइन है, क्या रिसोर्सेज आपको उसमें लगने वाले हैं और आने वाले टाइम में क्या रिस्क वहाँ पर हो सकते हैं। ए वेल डेवलप्ड प्रोजेक्ट प्लान सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर एंटायर प्रोजेक्ट, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू सपोर्ट प्रोजेक्ट टीम, स्टेक होल्डर्स, सी आर की स्टेप्स एंड एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। आइए जानते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है। पहला आता है डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। Clearly articulate the project objective, deliverable and scope, ensure a shared understanding among stakeholder regarding what the project aims and achieve. अब जैसे मैं बात करता हूँ राम मंदिर के, अभी राम मंदिर का है ना, तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अब उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको पता है कि यार यहाँ बहुत ही फेमस मंदिर बनने वाला है, तो अब उनके आने जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी भीड़ पड़ेगी है ना, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। क्या क्या स्कोप हो सकता है, टूरिस्ट डेवलप होगा तो उसके आसपास के सराउंडिंग को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, आइडेंटिफाई इंगेज स्टेक होल्डर हु हैव एन इंटरेस्ट इन कैन और कैन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंड देयर एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड कंसर्न। तो हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन है। जैसे राम मंदिर की बात करूँ तो अब इसके अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन है, यूपी गवर्नमेंट है, जो वहाँ का मंदिर का जो बोर्ड है वो है ना, जो कॉमन पब्लिक है वो है, अयोध्या की पब्लिक है ना, तो वो सारे के सारे इसमें एक तरह से बोल सकते हैं स्टेक होल्डर। अब उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, उस पर हम लोग काम करेंगे। डेवलप ए प्रोजेक्ट चार्टर, क्रिएट ए प्रोजेक्ट चार्टर दैट आउटलाइन द प्रोजेक्ट पर्पस, ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर कंस्ट्रेंट, अजम्पशन, हाई लेवल रिस्क। द चार्टर प्रोवाइड्स फॉर्मल ऑथराइजेशन टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। तो आपको एक चार्ट कॉर्नर चार्टर टाइप आपको बनाना पड़ता है कि जैसे ए है, बी है, फिर आप सी पे आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या स्टेक होल्डर्स है, क्या इसके कंस्ट्रेंट हैं, क्या अजम्पशन हमने लिए हैं, हाई लेवल रिस्क क्या क्या है, वो सब उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है WBS है ना। ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इंटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स यूजिंग ए हायरार्किकल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, दिस हेल्प ऑर्गेनाइज टास्क एंड फैसिलिटेट्स रिसोर्स अलोकेशन। अब राम मंदिर की बात करता हूँ तो अब मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कोई अलग कर रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस तक पहुँचने के उस एरिया में जो एयरपोर्ट है वहाँ का कंस्ट्रक्शन कोई अलग कर रहा है, जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो कोई अलग कंपनी कर रही है। तो ऐसे करके हम अलग अलग छोटे छोटे आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रक्चर में, आसपास कोई छोटे मंदिर बन रहे हैं उसका आइडेंटिफाई करके, तो हमारा जो वर्क है एक पूरा एक प्रोजेक्ट जो राम मंदिर उसके आसपास के सराउंडिंग को डेवलप करना है, तो हमने हमारे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे वर्क में ब्रेक डाउन कर दिया। डिफाइन टास्क एंड एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई डिफाइन द टास्क, स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इंक्लूड माइलस्टोन्स टू मार्क सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो हमें टाइमलाइन के साथ चीज़ें अचीव करनी है कि हम जो है मान लीजिए 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके बाद 28 फरवरी तक हम नेक्स्ट में ये टास्क अचीव कर लेंगे, 30 सितंबर तक हम ये टास्क अचीव कर लेंगे। एक एक टास्क अचीव, तो वो आपके पास एक्टिविटी का टास्क और उसकी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए, माइलस्टोन्स फिक्स होने चाहिए। एस्टिमेट्स रिसोर्स रिक्वायरमेंट, तो रिसोर्स में ह्यूमन भी होते हैं, मटेरियल भी होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी होते हैं, हर एक टास्क के लिए जो जो रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड रहेंगे तो उसका हम पहले से ही बंदोबस्त करके रखेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है एक ईजी वे में चलेगा। डेवलप ए प्रोजेक्ट शेड्यूल, क्रिएट ए प्रोजेक्ट शेड्यूल दैट इंक्लूड्स स्टार्ट एंड एंड डेट्स फॉर ईच टास्क, डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क एंड क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर टू असिस्ट इन शेड्यूलिंग। तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं है ना, आजकल आपने देखा होगा कि प्राइमावेरा करके सॉफ्टवेयर आता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे कुछ जो भी हैं क्रिटिकल, CPM है ना, CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड है ना, PERT होता है,
या प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT है ना, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है। अलोकेट रिसोर्स, असाइन रिसोर्स टू ईच वर्क टास्क बेस्ड एंड देयर स्किल्स अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एक्टिविटी। तो जो जो भी रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हैं आपके पास, तो उनको टास्क बेस्ड, उनकी स्किल और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप हर एक एक्टिविटी में उनको डिवाइड कीजिए। इंश्योर कीजिए कि जो रिसोर्स अलोकेशन है वो प्रोजेक्ट के शेड्यूल के साथ आप लोग उसको अलाइन कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास JCB लिमिटेड है या कोई मशीनरी लिमिटेड है, आप एक पर्टिकुलर टास्क पे उसको फोकस कर रहे हैं जिसके कारण दूसरे टास्क रुके हुए हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बजटिंग, डेवलप ए प्रोजेक्ट बजट दैट इंक्लूड्स कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर लेबर मटेरियल इक्विपमेंट एंड एनी अदर रिलेवेंट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले उसकी बजटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि जो भी कॉस्ट लग रही है, लेबर की कॉस्ट आ रही है, इक्विपमेंट की कॉस्ट आ रही है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमें कॉस्ट को मॉनिटर और कंट्रोल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो, जो मल्टी स्टोरी के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, आप अपने सराउंडिंग में भी देखेंगे कि बहुत सारे मल्टी स्टोरी के जो प्रोजेक्ट हैं वो रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉस्ट बढ़ती हुई कॉस्ट। अभी जैसे आप पिछले 3 सालों की बात करेंगे तो जो मटेरियल है वो लगभग 2 टाइम्स हो गया है। जो पहले फ्लैट आपको 30 लाख में मिल रहे थे, आज की तारीख में वो आपको 50 लाख तक भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट। तो जो भी पोटेंशियल रिस्क है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जो इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकती है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज और कंटिजेंसी प्लान आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लान, डेवलप ए कम्युनिकेशन प्लान आउटलाइन हाउ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स। क्लेरिफाई कम्युनिकेशन चैनल्स, फ्रीक्वेंसी एंड की कॉन्टेक्ट्स। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है वो प्रॉपरली रहे, सभी लोगों के बीच में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और जो भी चैनल्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो सबको पता होना चाहिए, की कॉन्टेक्ट सबके मोबाइल में होने चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट, डिफाइन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोसेस दैट विल बी यूज टू इंश्योर प्रोजेक्ट डिलीवरीज मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एस्टेब्लिश क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। तो क्वालिटी के लिए एक अलग से सेल होती है, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है अलग से, तो वो क्वालिटी का स्पेशली ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ता था तो कॉस्ट करने के चक्कर में क्वालिटी पे समझौता हो जाता, तो क्वालिटी एश्योरेंस सेल आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सटर्नल एजेंसी की तरफ से भी प्रोजेक्ट का चेक हो सकता है। प्रोक्योरमेंट प्लान, इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्रिएट ए प्रोक्योरमेंट प्लान आउटलाइनिंग द वेंडर विल बी सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड एंड मैनेज्ड। तो प्रोक्योरमेंट प्लान का हमें ध्यान में रखना है कि जो भी वेंडर्स हैं वो कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, कैसे उनको मैनेज किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बीच में छोड़ के चला गया है ना, तो सब के सब स्ट्रक्चर, जो भी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो सारा आपका डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड मैट्रिक्स टू मेजर्स प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड सक्सेस। एस्टेब्लिश बेंचमार्क फॉर मॉनिटरिंग एवेल्यूटिंग एंड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो हमें बेंचमार्क्स डिसाइड करने हैं ताकि हम प्रोजेक्ट को एवेल्यूट कर पाएं, उसकी परफॉर्मेंस को गाइड कर पाएं, है ना। चेंज मैनेजमेंट प्लान, डेवलप ए चेंज मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस चेंजेस इन प्रोजेक्ट स्कोप, शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट। डिफाइन द प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग, अप्रूविंग एंड इंप्लीमेंटिंग चेंजेस। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी टाइप का मैनेजमेंट या जो प्लान है उसमें चेंज होता है, तो उसको पहले रिव्यू करना है, अप्रूव करना है, और उसमें जो चेंजेस हैं वो डिसाइड किए हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंश्योर दैट प्रोजेक्ट प्लान अकाउंट्स फॉर एड्रेंस ऑफ रिलेवेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो जो भी लीगल्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमें आवश्यकता होती है उसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। क्लोजर एंड इवोल्यूशन, डेवलप ए प्लान फॉर प्रोजेक्ट क्लोजर इंक्लूडिंग द हैंड ओवर डिलीवरीज प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लेसन लर्न्ड। तो जो भी प्रोजेक्ट है उसका डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपको उसको डॉक्यूमेंट के रूप में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आपने जो जो वहाँ उस प्रोजेक्ट के दौरान सीखा वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अलग टाइप की, यूनिक टाइप की परेशानियाँ प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिलती है, तो आगे फ्यूचर में अगर ऐसी परेशानी आई तो हमने उस टाइम पर कौन सा डिसीजन लिया और वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, तो एक तरह से ये लेसन हम लोग उसके तरह सीख सकते हैं। अप्रूवल एंड साइन ऑफ, सीक अप्रूवल एंड साइन ऑफ फ्रॉम रिलेवेंट स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग स्पॉन्सर प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट। तो जो जो भी अप्रूवल्स हैं स्टेक होल्डर्स से, हम जब भी आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करने वाले हैं उससे पहले प्रोजेक्ट टीम मेंबर सबसे पहले अप्रूवल ले लें। डॉक्यूमेंटेशन आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको जो भी है उसको
डॉक्यूमेंटेशन करना होगा और सारे के सारे स्टेक होल्डर पे एक्सेसिबल होना चाहिए। इटरेटिव प्लानिंग, रिकॉग्नाइज द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस पीरियोडिकली रिविजिट एंड अपडेट प्रोजेक्ट प्लान टू रिफ्लेक्ट चेंजेस लेसन लर्न एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, रिकोगनाइज करना है प्लान को, है ना। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका बढ़ता जा रहा है पीरियोडिकली रिविजिट करना है, अपडेट करना है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में जानते हैं दोस्तों। आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मैं भी नहीं करता था लेकिन अब मैं लोगों को सब्सक्राइब करने लगा हूँ, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू इवेल्यूएट फिजिबिलिटी, वायबिलिटी, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बिफोर इट्स अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, वायबल है या नहीं है और उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या आने वाला है अप्रूव करने से पहले और इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। इट इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ वेरियस आस्पेक्ट इंक्लूडिंग सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल कंसिडरेशन। अब राम मंदिर है ना, राम मंदिर का एग्जांपल ले रहे हैं आज अपन एज ए बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में। तो उससे क्या हो रहा है कि सोशल तो लोगों में मतलब एक धार्मिक भावना डेवलप हो रही है, सोशली मतलब उनका बढ़ावा मिल रहा है। फाइनेंशियल जो आसपास के सराउंडिंग वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो दुकानदार रहने वाले हैं, जो आसपास में खाने की दुकान चलाएंगे, फूड दुकान चलाएंगे, होटल चेन चलाएंगे, उन सबको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है। इकोनॉमिक एवोल्यूशन हो, टेक्निकल कंसिडरेशन का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ की ज़मीन कैसी है, सोइल कैसी है, क्या इतना बड़ा मंदिर इतना प्रोजेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए सोशल अप्रेजल, सोशल अप्रेजल फोकस ऑन एवेल्यूटिंग द पोटेंशियल सोशल इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स प्रोजेक्ट्स की कंसिडरेशन इंक्लूड्स। तो सोशल अप्रेजल में देखिए सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उस प्रोजेक्ट का कम्युनिटीज़ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो कल्चरल हेरिटेज है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इसका एक थोरो असेसमेंट आपका होना चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस, एड्रेसिंग कंसर्न्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग कम्युनिटी फीडबैक। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसर्न्स को एड्रेस करना है, उनको इनकॉर्पोरेट करना है, उनसे टाइम टू टाइम फीडबैक लेना है। जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन, ऐसा नहीं कि केवल एक ही टाइप का जेंडर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। हर टाइप के जो ग्रुप हैं, भले ही वो उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो सबके लिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट आते हैं वो सबके लिए होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी, एग्जामिनिंग पोटेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीकेशन प्रोजेक्ट वर्कर्स एंड नियर बाई कम्युनिटीज़। तो जो भी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी फैक्ट्री आ रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा चिमनी से धुआं निकलता है या ऐसा होता है, हैजार्डस गैस निकल सकती है, तो आस पड़ोस पर उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है और जो वर्कर जो उस दौरान वहां काम करेंगे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, उसका भी एक थोरो असेसमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के रूप में किया जाना चाहिए। तो बात करते हैं फाइनेंशियल अप्रेजल की। फाइनेंशियल अप्रेजल इन्वॉल्व्स असेसिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की एलिमेंट्स। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, एवेल्यूटिंग द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ओवर इट्स लाइफ साइकिल। मान लीजिए आपने कोई फ्लाईओवर बनाया है या कोई रोड बनाया है, तो उसका कॉस्ट क्या लगा, मान लीजिए आपने 4 करोड़ रुपए खर्च करके आपने एक फ्लाईओवर बनाया है, तो अब उसका जो बेनिफिट है वो हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारी जो टाइम सेविंग हो रही है वो कितना हो रहा है ना, लोगों का पर्टिकुलर टाइम सेव कितना हो रहा है, या अपन जैसे कोई एक्सप्रेसवे होता है तो उसके अंदर जो टायर आपके घिसते हैं, जो सर्विस के चार्जेस आपके बचते हैं, जो टाइम पीरियड आपका बचता है, तो उसको सबको मिला के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम उसको फाइनेंशियल अप्रेजल देते हैं। अगला आता है बजटिंग, डेवलपिंग ए डिटेल्ड बजट दैट आउटलाइंस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमें एक बजट, डिटेल बजट बनाना पड़ेगा जिसमें हम प्रोजेक्ट को आउटलाइन कर पाएँ और एक ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हम लेके आ पाएँ कि हमें इतनी नीड रहेगी, इतने अमाउंट की नीड रहेगी एज ए ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फोरकास्टिंग द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लोज। तो जो भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, आने वाले टाइम में किस टाइप से पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, क्या रेवेन्यूज़ हैं, क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या कैश फ्लोज होंगे, ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। साथ ही साथ हमें जो जो भी हमारे फाइनिंग के सोर्सेज है, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो, भले ही वो लोकल गवर्नमेंट हो, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर हम अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम कर रहे हैं, तो हमें वो टाइम टू टाइम वो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को भी हमेशा ध्यान में रखना होगा। इकोनॉमिक अप्रेजल, इकोनॉमिक अप्रेजल असेस इन द ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमी। तो जो पूरी इकोनॉमी पर उस प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट आने वाला है, इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है
उसका जीडीपी पर, एम्प्लॉयमेंट पर और इनकम जनरेशन पे। मतलब जैसे राम मंदिर की अगर मैं बात कर रहा था तो अब उसके सराउंडिंग में बहुत सारा इनकम, रोजगार वहाँ, मतलब पूरे अयोध्या वासियों के मजा आने वाले हैं कि भैया वहाँ पर इतनी पब्लिक आएगी तो वहाँ पर फूड के लिए, आपके होटल के लिए, ऑटो रिक्शा का बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, कंसिडरिंग द टाइम वैल्यूज ऑफ मनी। तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी ध्यान में रखना था। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, अब ऐसा नहीं कि एक साल बाद भी सेम वैल्यू रहेगी। एक साल बाद अगर हम देखें तो अगर 5% का भी, जिसे बोलते हैं हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो वो उसकी वैल्यू जो आज 100 रुपये में आप चीज़ खरीद सकते हो, एक साल बाद आपको 105 रुपये उसके पे करने पड़ेंगे। तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू से फिर आगे का एस्टिमेशन करते हुए कि अगर आप 7 साल बाद 100 की जगह 200 कर रहे हो तो ये तो बराबर ही रुपये हो गए, है ना। तो उस हिसाब से आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एनालाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द प्रोजेक्ट। तो हमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी का भी ध्यान में रखना है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको मतलब बोल सकते हैं कि वो हमारे पास कितने एफिशिएंट हैं, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा ताकि इफेक्टिवली उसको यूज़ किया जा सके। मल्टीप्लायर इफेक्ट, एक्सेसिंग द इनडायरेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट रिलेटेड सेक्टर्स। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि आप जो भी इकोनॉमिक इफेक्ट होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो होते हैं उनको आप एक्सेस करें। टेक्निकल अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल फोकस ऑन इवेल्यूटिंग द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आता है पहला इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी, एक्सेसिंग टेक्निकल आस्पेक्ट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। अब कई बार क्या होता है कि डिज़ाइन तो आपकी हो जाती है लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत सारी दिक्कत आती है, वहाँ पर मटेरियल नहीं मिलता है ना, स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाती है, फिर उसका ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो कई बार प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी असेसमेंट, इवेल्यूटिंग द अप्रोप्रिएटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। तो टेक्नोलॉजी असेसमेंट आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका जो टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी को अगर हम तरीके से यूज़ करते हैं उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, उसकी अप्रोप्रिएटनेस का पता लगेगा। रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफाई टेक्निकल रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट देम। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो भी रिस्क हमारे सामने अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज, और उनको मिटिगेट करना पड़ेगा, उनके बचाव के उपाय हमें खोजने होंगे। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान, आउटलाइनिंग द डिटेल्ड प्लान फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स। तो ये आपको टाइमलाइंस माइलस्टोन्स को ध्यान में रखते हुए डिटेल्ड एग्जीक्यूशन प्लान आपको क्रिएट करना पड़ेगा। की स्टेप इन प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर जो क्या क्या की स्टेप्स है, पहला है प्रोजेक्ट का आइडेंटिफाई करना, तो क्या प्रोजेक्ट है उसकी डेफिनेशन हमें क्या बनाना है, उसके क्या गोल्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, कंडक्टिंग एंड इनिशियल असेसमेंट टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थ परसुइंग। तो पहले एक इनिशियल असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा बताते हैं कि पहला जो सोल्यूशन होता है डू नथिंग, है ना। मान लीजिए कोई चौराहा है, वहाँ जाम लगने लगा है, तो वहाँ पे फ्लाईओवर बना दो, बत्ती सही लगा दो, ट्रैफिक पुलिस वाला लगा दो, तो पहला तो आता है डू नथिंग, जैसे लोग निकल रहे हैं आराम से निकलते रहेंगे, तो वैसा है ना। प्रोजेक्ट स्कोपिंग, डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप, बाउंड्रीज एंड की पैरामीटर्स, फिजिबिलिटी स्टडी, कंडक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टू एक्सेस टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड सोशल फिजिबिलिटी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली फिजिबल भी हो, साथ ही साथ जो भी उससे रिलेटेड रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना और मिटिगेशन की स्ट्रेटजी तैयार करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, स्टेक होल्डर का एनालिसिस करना आपको, कि जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या कंसर्न है, क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसके लिए आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, डिसीजन मेकिंग, एक इन्फॉर्म डिसीजन टू प्रोसीड प्रोजेक्ट बेस्ड एंड अप्रेजल रिजल्ट। तो आप प्रॉपर अगर डिसीजन मेकिंग आपकी चलेगी तो प्रोजेक्ट भी आपका अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट अप्रूवल, गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम रिलेवेंट अथॉरिटीज स्टेक होल्डर टू प्रोसीड द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, या जो भी ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गए, है ना, इनका अप्रूवल लेके ही फिर आप आगे बढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल अप्रेजल, तो दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं भी पहले नहीं करता था लेकिन करने लगा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। इन्वायरमेंटल अप्रेजल, आल्सो नोन एज एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू इवेल्यूएट पोटेंशियल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बिफोर इट्स इंप्लीमेंटेड। जैसे आपने प्रोजेक्ट के लिए साइट सेलेक्ट करी कि मुझे एक रोड बनाना है, यहाँ पर साइड के जो हैं वो पेड़ भी थोड़े से काटने पड़ेंगे, तो उसका एन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये आपको पहले से तय करना होगा। तो वो आप उसका एक असेसमेंट करके देते हैं जिससे पता लगता है कि क्या एन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा हानिकारक प्रभाव तो नहीं आ रहा है।
अगर आता है तो फिर हम उसको वापस से सोचते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, वापस से रिन्यू करते हैं, है ना, वापस से प्लानिंग करते हैं। द गोल ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई, प्रेडिक्ट एंड असेस द लाइकली एनवायरमेंटल टू इम्पैक्ट अ प्रोजेक्ट एंड प्रोपोज मेजर्स टू मिटिगेट और मैनेज दिस इम्पैक्ट्स। तो आइए कुछ की एलिमेंट्स जानते हैं। पहला है एनवायरमेंटल अप्रेजल के लिए स्कोपिंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल, कि एनवायरमेंटल के मतलब वो क्यों बेस्ट है एनवायरमेंटल के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इश्यूज एसोसिएटेड टू द प्रोजेक्ट। तो एक हाईवे से मान लीजिए बहुत सारा दोनों तरफ के जो पेड़ हैं अगर वो काटे जा रहे हैं, तो आपको वो इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इससे कितना एनवायरमेंट को नुकसान होने वाला है। बेसलाइन डेटा कलेक्शन, एनवायरमेंटल बेसलाइन गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन इन दिस प्रोजेक्ट एरिया इंक्लूडिंग एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एंड सोइल क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो बेसलाइन डेटा का हमें कलेक्ट करना पड़ेगा कि वहाँ की क्या एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, सोइल की क्वालिटी कैसी है, किस टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, किस टाइप का इकोसिस्टम है, फ्लोरा फ्यूना है, किस टाइप का। तो एक एनवायरमेंटल बेसलाइन का डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट्स, प्रिडिक्ट द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दैट मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। तो हमें ये एक जो भी इम्पैक्ट आने वाला है तो उसका इम्पैक्ट का असेसमेंट करना पड़ेगा, ताकि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि हम प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में उसको भी अराइज कर सकें। मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंस, एज द मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इम्पैक्ट। प्रोजेक्ट के कारण जो भी इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो हर एक चीज़ के कारण जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको आपको मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंस, कितने मैग्नीट्यूड मतलब कितना ज़्यादा इंटेंस है वो इम्पैक्ट, वो आपको चेक करना पड़ेगा, उसका सिग्निफिकेंस चेक करना पड़ेगा। मिटिगेशन मेजर्स, प्रिवेंटिव मिटिगेशन मेजर पर्पज मेजर्स टू द प्रिवेंट और मिटिगेट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो मिटिगेशन मेजर्स हमें ध्यान में रखने हैं कि प्रिवेंटिव मतलब कैसे प्रिवेंट करना है, और मिटिगेटिव मतलब जो भी एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरमेंट के ऊपर आने वाले हैं उसको मिटिगेट करना और बचाना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड बेस्ट प्रैक्टिस टू मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो जो जो भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरमेंट के ऊपर, उसके लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए उसको आइडेंटिफाई और रिकमेंड करना होगा। ऑल्टरनेटिव एनालिसिस, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ज़्यादा आ गया तो उस प्रोजेक्ट की जगह हम और क्या कर सकते हैं वो भी हमें सोचना पड़ता है ना, जिससे कि एनवायरमेंटल के ऊपर कम बुरा प्रभाव पड़े। कंपेरेटिव एनालिसिस, कंपेयर एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो जो जो भी प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव वन है, ये टू है, ये थ्री है, उनको आप एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट से आप अल्टरनेटिव से पता लगाएं किस कारण से एनवायरमेंट के ऊपर, किस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट आ रहा है। पब्लिक कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, एंगेज विद द पब्लिक लोकल कम्युनिटीज रिलेवेंट स्टेक होल्डर टू गेट इनपुट एड्रेस कंसर्न्स। तो जो भी वहाँ के कंसर्न्स हैं, लोकल कंसर्न्स हैं, उनको डाटा इकट्ठा करेंगे कम्युनिटीज़ वाले और उसको एड्रेस करेंगे। फीडबैक इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट पब्लिक फीडबैक इनटू एनवायरमेंटल अप्रेजल प्रोसेस। जो भी एनवायरमेंटल अप्रेजल प्रोसेस है वहाँ पर हमें फीडबैक जरूर लेना चाहिए लोगों से जो लोग रह रहे हैं। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान अपने को क्रिएट करना होगा। मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग मेजर्स, डेवलप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान आउटलाइंग मेजर्स एंड मैनेज मॉनिटर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब कई बार क्या होता है, झूठी झूठी रिपोर्ट पैदा कि हमारे से तो ये नहीं होगा। जब प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो उसको प्रॉपर मैनेज करना और जो प्रोजेक्ट के हमने पहले एनालिसिस किया है उतना ही मतलब कम इम्पैक्ट आना चाहिए एनवायरमेंट के ऊपर। जनरली जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, देखिए एनवायरमेंटल के लिए हानिकारक होते ही हैं, इसलिए आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल, तो हम सस्टेनेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कंटिंजेंसी प्लान, इंक्लूड कंटिंजेंसी प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड इन्वायरमेंटल इंसिडेंट्स। जो भी अनएक्सपेक्टेड इन्वायरमेंटल इंसिडेंट्स हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान आपको क्रिएट करना पड़ेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट कंप्लाइज विद रेलिवेंट इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, परमिटिंग ऑब्टेन नेसेसरी इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो भी हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इन सब से, जो भी वाटर कंट्रोल बोर्ड है या आपका बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंट्रोल बोर्ड है, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट समराइज द फाइंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल अप्रेजल इंक्लूडिंग बेसलाइन डाटा, इंपैक्ट प्रिडिक्शन, मिटिगेशन मेजर्स एंड अल्टरनेटिव एनालिसिस। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसके अंदर एक बेसलाइन डाटा होता है, जो आपको इंपैक्ट है वो प्रिडिक्ट करने पड़ते हैं, उनके मिटिगेशन मेजर्स और क्या अल्टरनेटिव एनालिसिस हो सकते हैं, ये सारा का सारा ब्यूरो हमको उस रिपोर्ट के अंदर देना पड़ता है। रिव्यू एंड अप्रूवल, रेगुलेटरी रिव्यू, सबमिट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर रिव्यूज। तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उसको आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट पर अप्रूवल देंगे।
अप्रूवल प्रोसेस ऑब्टेन अप्रूवल और क्लियरेंस फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज बिफोर प्रोसीडिंग टू द प्रोजेक्ट। तो जो जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसका आप पहले ही अगर अप्रूवल ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा करेगा। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, इंप्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग मॉनिटर टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट टू इंश्योर कंप्लायंस विद अप्रूव्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मेजर्स। एनवायरमेंटल ऑडिट्स, कंडक्ट पीरियोडिक एनवायरमेंटल ऑडिट टू असेस ऑनगोइंग कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेशन मेजर्स। तो आपको एनवायरमेंटल टाइम टू टाइम ऑडिट भी करने होंगे कि जो कंप्लायंस मेजर्स जो लिए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं और मिटिगेशन मेजर्स को इफेक्टिव तरीके से लागू किया गया है या नहीं किया गया है। अब क्या क्या स्टेप्स हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल प्रोसेस में, आइए। सबसे पहले प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग, डिटरमाइन वेदर द प्रपोज प्रोजेक्ट रिक्वायर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल अप्रेजल बेस्ड ऑन इट्स स्केल नेचर पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट। तो पहली चीज़ हमें स्क्रीन करना, अब छांटना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट सच में एनवायरमेंटल अप्रेजल के लायक है या नहीं है। फिर स्कोपिंग, डिफाइन द बाउंड्रीज एंड स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल अप्रेजल, आइडेंटिफाई की एनवायरमेंटल इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। जो जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, की एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वो एड्रेस होने चाहिए। साथ ही एनवायरमेंटल अप्रेज को हमें आइडेंटिफाई करना है, बेसलाइन डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है एग्जिस्टिंग, वहाँ की वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के आने के कारण एयर क्वालिटी पे, वाटर क्वालिटी पे, है ना, सॉइल क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव एनालिसिस भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है एनवायरनमेंट को। पब्लिक कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अप्रूवल लेने पड़ेंगे जो रेगुलेटरी, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग के साथ, आपका जो EI है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द कैपेसिटी स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। दिस प्रोसेस एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंस्टीट्यूशन फंक्शन, देयर स्ट्रेंथ वीकनेस एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू हिंडर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, whether in development projects, public policy or any other area, here are key elements and consideration in institutional appraisal. Institutional एक analysis होता है जिसके अंदर जो institution की capacity, structure, performance, एक organization की है ना, अलग specific context में हमें देखते हैं, है ना, कैसे institute function करते हैं, क्या उनकी weakness है, क्या उनकी strength है, इस बारे में हमको पता लगता है। तो सबसे पहले की एलिमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल, जो भी इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल है उसके क्या की एलिमेंट्स हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इवेल्यूएट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हायरार्की, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग लाइंस। तो जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट है कोई, उसके अंदर सबसे पहले डायरेक्टर होगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर या है ना, और कुछ मान लो मतलब बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, फिर उसके अंदर दो तीन प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, फिर उसके अंदर ब्रांच मैनेजर, फिर उसके अंदर वर्कर, इस टाइप से जो है तो एक हायरार्की होती है, उन सबके अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, कंसीडर इनफॉर्मल और सोशल नेटवर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सोशल नेटवर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन को वो जो भी कंसिडर करते हैं कि हाँ इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन करते हैं। इनफॉर्मल मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका जो कुछ सोशल नेटवर्क्स हैं, मान लीजिए डायरेक्टर का कोई दोस्त है, अब वो चाहता है कि मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर लगूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बोलेंगे उसको। गवर्नेंस एंड लीडरशिप, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप इन गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स गोल। तो जो जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको हमें गाइड करना। गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, एग्जामिन गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो जो भी गवर्नेंस की जो मैकेनिज्म है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर डिसीजन मेकिंग, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ डायरेक्टर ने बोला है तो वो काम होगा। कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसीज, ह्यूमन रिसोर्स, इवेल्यूएट द स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, जो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी मानवीय लोग आपके पास हैं, उनकी क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, जो भी वर्कफोर्स है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो जो जो भी आपके यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स,
इवेल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग बजटिंग एक्सपेंडिचर कंट्रोल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए जिसके अंदर बजटिंग आएगी, उसके एक्सपेंडिचर कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू जनरेट मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फाइनेंशियल रिसोर्स कहाँ से वो जनरेट करती है, कैसे मैनेज करती है, उसका एक मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क्स रिव्यू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू इंश्योर दे अलाइन विद ओरिजिनल गोल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो भी ओरिजिनल पॉलिसीज अवेलेबल है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ काम करें। ये आपको पता हो मतलब पॉलिसी फ्रेम का इस तरह से होना चाहिए कि उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स एग्जामिन द क्लैरिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटेजी मतलब टाइम टू टाइम हमें जैसे हमारा गोल अचीव करना है कि हम इस साल जो टर्नओवर है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे, 3 साल में हमारा टर्नओवर जो है 2 करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे, डबल करेंगे, तो वो आपके स्ट्रेटेजिक गोल होने चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। अलाइनमेंट विद मिशन जो भी कंपनी का मिशन है कि भैया हम पूरे इंडिया में एजुकेशन की क्रांति लाना चाहते हैं, जो भी वो आपका मिशन से हमेशा आप अलाइन रहना चाहिए। एक्सेस द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ विद इट्स मिशन एंड विजन्स। तो जो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको मिशन और विजन के साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल फ्लो इंटरनल कम्युनिकेशन इवेल्यूट हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ वेल कम्युनिकेशन चैनल्स आर इस्टेब्लिश्ड। तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन को दिया जाता है, भले ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से हो, जो लैंडलाइन फ़ोन है उसके माध्यम से हो। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एक्सेस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग पार्टनर एंड द पब्लिक। तो जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाहर के लोगों से कैसे डील करती है, कैसे कम्युनिकेट करती है, लेटर के थ्रू करती है, डायरेक्ट फ़ोन के थ्रू करती है, मेल के थ्रू करती है, वो कहीं ना कहीं उसका कम्युनिकेशन का फ्लो होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एग्जामिन हाउ डिसीजंस आर मेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन कितना है, कि कहीं ने ऐसा तो नहीं कि कहीं सेंट्रल वाला आदमी ही सारे मोदी जी सारे डिसीजन ले रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर आपका मुख्यमंत्री भी डिसीजन लेता है, ग्राम पंचायत का अधिकारी भी डिसीजन लेता है, है ना। तो इस टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेन डायरेक्टर भी डिसीजन लेता है, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर वो भी डिसीजन लेता है, आपका जो वर्कर में जो टीम लीडर है वो भी डिसीजन ले सकता है। एसेस द लेवल ऑफ स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो क्या स्टेक होल्डर्स का लेवल है पार्टिसिपेशन का डिसीजन मेकिंग में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन इवेल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन मैकेनिज्म टू एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो जो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है उसका हमें ध्यान रखना है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन करना है। जो जो भी वहाँ के वर्कर हैं उनका फीडबैक एंड लर्निंग टाइम टू टाइम, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं उनसे क्या हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हमें टाइम टू टाइम कंसर्न करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एनालाइज द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंक्लूडिंग वैल्यूज़ नॉर्म्स शेयर्ड बिलीफ्स। तो एक वैल्यू एक कल्चर होना चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, है ना, सबका एक जैसा बिलीफ होना चाहिए, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी एसेस द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो अचानक अब ऐसा नहीं कि काम हमेशा एक जैसा ही चलता रहेगा, जैसे जैसे कई बार रॉ मटेरियल का दिक्कत आ गई, कभी वर्कफोर्स की दिक्कत आ गई, कभी हड़ताल हो गई, तो वो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज और एक्सटर्नल प्रेशर को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फटाफट उसे अडेप्ट कर पाए। कोलाब्रेशन एंड पार्टनरशिप स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एक्सेस हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन कोलाब्रेट्स विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक NGO प्राइवेट सेक्टर्स। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनमें उनका भी एक तरह से बोल सकते हैं कोलाब्रेशन कर सकते हैं। नेटवर्किंग एविलेट ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू एस्टेब्लिश मेंटेन बेनिफिशियली पार्टनरशिप्स। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि हमें हमारे कुछ क्लाइंट्स जनरेट करने पड़ते हैं, लोग जनरेट करने पड़ते हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू उन्हें नया नया काम मिलता रहता है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस फ्रेमवर्क इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस विद रिलेवेंट लॉज रेगुलेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलेवेंट लॉ रेगुलेशन और एथिकल स्टैंडर्ड के साथ काम करती रहे। रिस्क मैनेजमेंट एक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम रिस्क को प्रॉपर मैनेज करते हुए एक्सेस पहले उसको आप मतलब पता लगाएं और उसको मैनेजमेंट और मिटिगेशन की तरफ भी काम करें।
स्टेप इन इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल में क्या क्या है, लगभग सेम ही होगा। एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है जो भी इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल का है। डेस्क कंडक्ट डेस्क रिव्यू टू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल मटेरियल, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मटेरियल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनका एक रिव्यू होना चाहिए। स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होना चाहिए। डेटा कलेक्शन आपको करना है सर्वे, इंटरव्यू, मेल के थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू। एनालिसिस करना है आपको ताकि आप डेटा कलेक्ट कर पाएँ, जिससे एक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, SWOT की फुल फॉर्म होती है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। तो आप एक एनालिसिस कर सकते हैं, थोरो एनालिसिस। रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन, प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आउटलाइनिंग फाइंडिंग, रिकमेंडेशन एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, जैसे कि रिकमेंडेशन और एक्शन प्लान की इम्प्रूवमेंट हमें फाइंड आउट हो जाए। फीडबैक एंड वैलिडेशन, शेयर ए फाइंडिंग विद की स्टेक होल्डर फॉर वैलिडेशन। एडिशनल इनपुट, तो एडिशनल इनपुट का हमें ध्यान रखना है। एक्शन प्लानिंग, डेवलप एक्शन प्लान बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन आउटलाइनिंग स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। जो जो भी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हो सकता है, उसका एक एक्शन प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए, और प्लान के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंटेशन। जो एक्शन प्लान है वो आ गया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना, और जिसके अकॉर्डिंग जो जो भी एडजस्टमेंट्स हमें नीडेड होते हैं वो एडजस्टमेंट करना। रिव्यू एंड एवोल्यूशन, पीरियडिकली रिव्यू एंड एवोल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल। तो जो जो भी इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल के बेस पर हमने जो चेंजेस किए हैं, तो उसको टाइम टू रिव्यू और एवेल्यूट करना। प्रोजेक्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर इनहेरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजिंग देम इफेक्टिवली आर क्रूशल फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी। कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर देखिए, कभी भी कोई भी रिस्क, जैसे अभी आपने देखा, अभी बहुत बड़े रिस्क था, आप कोरोना से आप लोग गुजरे हैं ना, उसमें क्या हुआ कि हमें कहीं ना कहीं सबकी लाइफ चेंज हो गई है ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि मान लीजिए मैंने भी अपना एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, अब वहाँ पर बहुत शानदार मतलब माहौल ही हो गया था, बच्चे इतने 100-200 बच्चे आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ कि उसी टाइम कोरोना आ गया, तो वो कोचिंग सेंटर पूरा ही बैठ गया। फिर पता पड़ा कि सिविल इंजीनियरिंग ही पूरा डाउन हो गया अभी हाल, है ना, कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी हमें देखने को मिली। प्रोजेक्ट रिस्क, अब रिस्क क्या है? रिस्क एक इवेंट है, कंडीशन है, दैट इज अकर्स कुड हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मान लीजिए मुझे एक सड़क तैयार करनी है जो यहाँ से दो सिटी ए और सिटी बी को जोड़ेगी। अब क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आ गया और उस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है ना कहीं परेशानी डेवलप करेगा, तो इसे हम बोलते हैं रिस्क। टाइप ऑफ रिस्क, अब क्या क्या रिस्क हैं? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क, रिस्क डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए कारों का अभी है ना, सेमी कंडक्टर चिप जो है, जो शेयर मार्केट फॉलो करते होंगे उन्हें पता हो, सेमी कंडक्टर चिप की शॉर्टेज पड़ गई, तो एक तरह से रिस्क है। एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर लाइक इकोनॉमिक कंडीशन, रेगुलेटरी चेंजेस, जियो पोलिटिकल इवेंट्स। अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने शक्कर के लिए, शुगर के लिए बोल दिया कि इससे एथेनॉल नहीं बनाएंगे, जो एल्कोहल बनाने में काम आता है, तो ये गवर्नमेंट और जियो पोलिटिकल रिस्क आ गई। मालदीव्स के ऊपर परेशानी आ गई अभी हाल, है ना। टेक्निकल रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद दी प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी टूल्स एंड मेथोडोलॉजी। तो क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे? पुरानी टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं कर रहे, जो टूल्स हैं, जो मेथोडोलॉजी कहीं वो हमारी पुरानी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है, तो वो भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, रिस्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ चेंज इन लीडरशिप। तो कई बार क्या होता है कि सरकार चेंज होती है तो उसके कारण भी परेशानी होती है, या ऑर्गेनाइजेशन में CEO चेंज हो गया। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो पहले आइडेंटिफाई करना है प्रोजेक्ट के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी को देखना है, असेसमेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या इम्पैक्ट है। मिटिगेशन, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एंड प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क। मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड रीअसेसिंग रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल। टाइम टू टाइम हमें जो रिस्क है उसको एक्सेस करना है, रीअसेस करना है, और टाइम टू टाइम हमें लाइफ साइकिल के दौरान उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है। रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है? पहला अवॉइड कर दो कि कोई मतलब नहीं है मेरे को। चेंजिंग द प्रोजेक्ट प्लान टू एलिमिनेट द रिस्क, प्लान ही चेंज कर दो कि हमें करना ही नहीं, रिस्क आया तो फालतू काम नहीं। फिर मिटिगेशन के आप तरीके ले सकते हैं, रिड्यूस द लाइवलीहुड और इम्पैक्ट। जैसे मान लीजिए आपको रोड बनाना, तो बरसात के टाइम पर रोड का काम नहीं कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल सकता, तो आप सर्दी में अपना, जैसे बरसात खत्म होती है, दिसंबर में अपना काम चालू करें और जुलाई तक का टारगेट करें।
ट्रांसफर शिफ्टिंग ऑफ द रिस्क अनदर पार्टी सच एज थ्रू इंश्योरेंस और आउटसोर्सिंग। तो आप आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इंश्योरेंस कराना कि आया मैं मान लीजिए मैंने कुछ अपना इंश्योरेंस करा रखा है, मैं किसी कारण से मेरी डेथ हो जाती है तो सिंपल सी बात है मेरे वाइफ को कुछ 20 लाख रुपए 1 लाख करोड़ रुपए कुछ मिल जाए। एक्सेप्टेंस अलाउ एक्नोलेज द रिस्क हैविंग कंटिजेंसी प्लान इन केसेस इट अकर्स। तो जब रिस्क आती है तो उसको एक्सेप्ट करना। प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी, डेफिनेशन प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी रेफर्स टू अ लैक ऑफ नॉलेज और प्रिडिक्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इवेंट्स आउटकम्स एंड कंडीशन। तो हम ये काम कर रहे हैं लेकिन हम सर्टेन नहीं कि बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हम बहुत टफ काम करने वाले हैं ना, अनसंभव काम कि हम वैक्सीन बना रहे हैं और वो सही जाएगी या नहीं जाएगी इसका पता नहीं। टाइप ऑफ अनसर्टेन नोन अननोन्स आस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम इज नोन बट स्पेसिफिक आउटकम इज अनसर्टेन। तो आपको ये तो पता है कि भैया ये वैक्सीन बन जाएगी और इसको दूर कर देगी, लेकिन आने वाले टाइम में इसके क्या इफेक्ट आएंगे ये नहीं पता। अननोन्स अननोन्स अनफोर्सिन इवेंट्स कंडीशन दैट आर डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट। कहीं अर्थक्वेक, कभी आया ही नहीं जीवन में, अर्थक्वेक आ गया है ना, कोई बहुत ज़्यादा दंगे हो गए या बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी पहला होता है फ्लेक्सिबिलिटी। डिसीजन प्रोजेक्ट प्लान्स एंड प्रोसेस टू बी अडेप्टेबल टू चेंजिंग कंडीशन। जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट चेंज होना चाहिए। मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं, यहाँ इस जगह भूकंप आ गया तो आपने क्या कहा कि थोड़ा सा गाइडलाइन मोड़ दिया कि वाह चलो अपन स्थायी, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। कंटीजेंसी प्लान, डेवलपिंग कंटीजेंसी प्लान पोटेंशियल सीनेरियोज दैट मे राइज। जो जो भी सीनेरियो मैक्सिमम सीनेरियो हो सकते हैं उनके कंटीजेंसी मतलब उनको सॉल्वेंसी प्लान हमारे पास हमेशा होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कंटिन्यूसली गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो हमें कंटिन्यूसली वहाँ की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि हम डेटा ओरिएंटेड हम बिजनेस कर सकें ना, डेटा ओरिएंटेड हम डिसीजन ले सकें। इटरेटिव प्लानिंग, एम्ब्रेसिंग इटरेटिव प्लानिंग एंड रेगुलरली रीअसेसिंग द प्रोजेक्ट अजम्पशंस। तो आपको ये इटरेटिव प्लानिंग करनी है ताकि आप रेगुलरली उस प्रोजेक्ट के जो अजम्पशन आपने लिए हैं उनको रीएक्सेस कर पाओ। स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कंप्रीहेंसिव प्लानिंग, डेवलप ए डिटेल प्रोजेक्ट प्लान दैट अकाउंट फॉर पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, है ना। तो जो जो भी उसके अंदर रिस्क आ सकती है, कंप्रीहेंसिव प्लान होता है कि भैया 20 साल का 30 साल का कि आने वाले टाइम में ये रिस्क आ सकता है, रिस्क आता है, सबको उसमें मिटिगेट करते हैं, उस हिसाब से हम कोर्स डिसाइड करते हैं। इंक्लूडिंग कंटिजेंसी प्लान एंड अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज इन द प्रोजेक्ट प्लान। तो उसका एक कंटिजेंसी प्लान कि आ जाती है मान लो भूकंप आ गया तो हम क्या करेंगे या बाढ़ आ गई तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज आप प्रोजेक्ट प्लान में हमेशा होनी चाहिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटर द प्रोजेक्ट एनवायरमेंट फॉर चेंजेस दैट में इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क और अनसर्टेनिटीज। तो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट है वो रेगुलरली हम उसको बोल सकते हैं कि मॉनिटर करें। यूज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम द प्लान। तो जो हमारा प्लान है उसके लिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्लान से कितना दूरी पर चला। आपने सोचा था कि 31 दिसंबर तक तो हम एक चौराहे तक का काम कंप्लीट कर देंगे लेकिन अभी उससे पहले वाले चौराहे तक का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आपको प्रोग्रेस को भी डेविएशन कितना हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में पता लग जाएगा। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, स्टेक होल्डर विद प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर टू गेदर देयर इंसाइट्स एंड परस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स टू एड्रेस कंसर्न्स एंड रिसीव अर्ली वार्निंग्स। तो ओपन चैनल कम्युनिकेशन हमेशा होने चाहिए ताकि अर्ली वार्निंग आपको मिल जाए। रिस्क असेसमेंट वर्कशॉप, कंडक्ट वर्कशॉप और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन विद द प्रोजेक्ट टीम टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस पोटेंशियल रिस्क। तो हमें वर्कशॉप और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट टीम के साथ ताकि हम पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसे इजीली ओवरकम कर पाएँ। इनकरेज टीम मेंबर टू शेयर देयर इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट रिस्क। तो जो जो भी व्यक्ति को जो जो भी रिस्क अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर लगता है तो वो अपनी इंसाइट शेयर करें कि इस कारण से ये परेशानी हो सकती है और उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाए। सिनेरियो एनालिसिस, यूज सिनेरियो एनालिसिस टू एक्सप्लोर डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोज दैट पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। तो आजकल तो वर्चुअली चीज़ें होने लग गई तो आप एक वर्चुअल सिनेरियो लगे कि ऐसा होगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। अचानक से कोई आतंकवाद, जैसे नहीं होता कि वो प्रैक्टिस चलती है गवर्नमेंट के द्वारा, कई बार आप देखते होंगे टीवीज में कि आतंकवादी हमला हुआ तो कैसे निपटेंगे, है ना, फटाफट गाड़ी खोलेंगे। डेवलप रिस्पॉन्स प्लान फॉर ईच सिनेरियो टू एनहेंस प्रिपेयरनेस। तो हर एक सिनेरियो जो आपने क्रिएट किया है उसके लिए कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्स प्लान भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। रिस्क रजिस्टर मेंटेन, रिस्क रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई रिस्क एंड देयर करेक्टरिस्टिक एंड देन प्लान रिस्पॉन्स। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके अंदर क्या रिस्क आई, क्या परेशानी आई, तो अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो आने वाले लोगों के लिए भी वो दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम आएगा। रेगुलरली अपडेट द रिस्क रजिस्टर टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द प्रोजेक्ट एनवायरमेंट। जो भी प्रोजेक्ट एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो रिस्क रजिस्टर में डेली आपका अपडेशन होना चाहिए कि आज हमें ये परेशानी देखने को मिली और हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
एम्बरेंस एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी दैट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी टू चेंजिंग कंडीशन। तो हम एक एजाइल जो भी चेंजिंग कंडीशन हो रही है उनको फ्लेक्सिबली और अडेप्ट कर पाए ऐसा मैनेजमेंट हमें चाहिए। इटरेट एंड एडजस्ट प्रोजेक्ट प्लान बेस्ड ऑन ऑनगोइंग फीडबैक एंड लर्निंग। तो जो फीडबैक और लर्निंग हमें सीखने को मिल रही है उसके हिसाब से हम टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट को एडजस्ट कर पाएँ। रेगुलर रिव्यू, कंडक्ट रेगुलर रिव्यूज ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो जो जो भी हमने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाई है उनको रेगुलरली रिव्यू करना और प्रोजेक्ट की प्रोसेस को देखना, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को, है ना, ये चेक करना। लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड अप्लाई लेसंस लर्न फ्रॉम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। जो पिछले प्रोजेक्ट से हमने सीखा उसको नए प्रोजेक्ट में, है ना, जो ए प्रोजेक्ट से हमने सीखा उसको बी प्रोजेक्ट में हम एक्सपीरियंस से डालेंगे। एक्सपर्ट इनपुट, सीक इनपुट फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हु कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो हर एक के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पोटेंशियल रिस्क के बारे में आपको बताएंगे और उसके लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स भी दे सकते हैं। कंसिडरिंग इन्वॉल्वमेंट एक्सटर्नल कंसल्टेशन विद स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज इन रिलेवेंट एरियाज। तो हमें एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स का ध्यान रखना है जिससे हम स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज ले सकें। मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिक्वायर्स अ प्रोएक्टिव डायनेमिक अप्रोच। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस असेसमेंट, कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग कंडीशन बाय इंटीग्रेटिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इनटू द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन एनहेंस देयर एबिलिटी टू डिलीवर सक्सेसफुल आउटकम्स इवन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटीज का भी ध्यान रखते हुए हम जो भी चीज़ हम डिलीवर करना चाहते हैं हम डिलीवर करें। मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। फाइनेंसिंग इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड चूजिंग राइट मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो भैया पैसा जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर टाइम पर आपको मनी, पैसा, फाइनेंसिंग नहीं मिली तो फिर आपका प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। मतलब आजकल आपने देखे होंगे ना कुछ आपके एरिया में भी अपार्टमेंट होंगे बहुत सारे, है ना, तो ऐसे अपार्टमेंट्स क्या होते हैं कि फाइनेंसिंग ना होने से परेशान होना पड़ जाता है। इन्वेस्टरों तो नहीं परेशान होना पड़ता है, जो लोकल पब्लिक होती है उन्हें भी परेशान होना पड़ता है। तो क्या क्या है देखते हैं, प्रोजेक्ट का साइज क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं। पहला आता है इक्विटी फाइनेंसिंग, आपने देखा होगा, क्या नाम है अपना, शार्क टैंक आता है कि आप हमारा 2% इक्विटी ले लो और हमें 1 करोड़ रुपए दे दो। तो इक्विटी फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स और ओनरशिप स्टेक इन द प्रोजेक्ट। जो भी मेरा प्रोजेक्ट है मैं आपको ओनरशिप दे देता हूँ 2% की और आप मुझे उसके बदले में कुछ पैसा दे दीजिए। शेयर मार्केट में ही होता है, इसके एडवांटेज ये होते हैं, शेयर्स द फाइनेंशियल रिस्क विद इन्वेस्टर, नो ऑब्लिगेशन फॉर इमीडिएट रीपेमेंट, पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। जनरली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में काम आ जाता है, इमीडिएट रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है और रिस्क आपका साथ जो साथ में जुड़ा है उसका भी हो जाएगा। डिसएडवांटेज होता है डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप कंट्रोल, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद शेयर होल्डर शेयरिंग प्रॉफिट्स। तो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आपको शेयर होल्डर के साथ शेयर करना पड़ेगा। डेप्ट फाइनेंसिंग डिस्क्रिप्शन, डेप्ट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स बोरोइंग मनी दैट मस्ट बी रीपेड विद इंटरेस्ट। इट कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बॉन्ड इश्यूज। तो डेप्ट फाइनेंसिंग में आप क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। एडवांटेज क्या है, लीवरेज मिल जाता है, है ना, टैक्स से रिड्यूशन मिल जाता है, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप आपको नहीं करना पड़ता है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर। ग्रांट एंड सब्सिडीज, तो कई बार हम लोग ग्रांट्स ले आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या सब्सिडीज ले लेते हैं एनजीओ की तरफ से, है ना, इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से। एडवांटेज क्या है कि आपको वापस से पे करना ही नहीं है, है ना, फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि सोशली बेनिफिट प्रोजेक्ट को भी बेनिफिट करेगा। डिसएडवांटेज ये बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट कुछ ही 5 लाख 10 लाख तक की ग्रांट देती है, है ना, और कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन प्रोसेस होता है क्योंकि आप ही अप्लाई नहीं करोगे, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी एक फाइनेंसिंग का तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट एंटिटीज़ को फाइनेंस के लिए बुलाते हैं और रिस्क और रिवॉर्ड्स को जो है शेयर किया जाता है। एडवांटेज ये कि रिस्क शेयरिंग टू प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज इफिशियंट प्रोजेक्ट डिलीवरी। एक फ़ायदा होता है कि रिस्क शेयरिंग हो जाती है, प्राइवेट जो पार्टनर हैं उनका कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज हमें देखने को मिलती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है, है ना, नेगोशिएशन बड़ा मुश्किल होता है इसमें क्योंकि प्राइवेट अपनी शर्तों पर काम करते हैं। वेंडर फाइनेंसिंग डिस्क्रिप्शन, वेंडर फाइनेंसिंग अगर्स व्हेन दी वेंडर और सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू दी बायर टू फैसिलिटेट दी परचेज। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जो बेचने वाला है वो आपको कहता है कि आप मेरा 100 रुपये का माल अपनी दुकान में रखो और आप मेरे को 50 रुपये ही पे करो, है ना,
जब माल बिक जाएगा नेक्स्ट माल जब मैं रखने आऊँगा 100 रुपये का, तब मैं आपसे 100 रुपये लूँगा, तो 50 रुपये मेरा आपके ऊपर क्रेडिट रहेगा। तो इस टाइप की फाइनेंसिंग होती है। सिंप्लीफाइंग द परचेसिंग प्रोसेस में ऑफर फेवरेबल टर्म्स अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ बायर एंड वेंडर, तो जो खरीदार है जो वेंडर है बेचने वाला उन दोनों को कंडीशन फेवरेबल करती है। डिसएडवांटेज लिमिटेड टू स्पेसिफिक गुड्स सर्विस में इन्वॉल्व हायर ओवरऑल कॉस्ट, तो लिमिटेड लोग चीज़ों पर ही ऐसा कुछ होता है, बाकी तो नहीं होता जनरली। बूटस्ट्रैपिंग इन्वॉल्व्स फंडिंग प्रोजेक्ट विद मिनिमल एक्सटर्नल रिसोर्सेज रिलाइंग ऑन पर्सनल सेविंग्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट अदर लो कॉस्ट मेथड्स। तो कुछ लोग होते हैं कि बाहर से फंडिंग प्रदान नहीं करते हैं, खुद ही पैसा इकट्ठा करेंगे। मान लीजिए मुझे कोई कोचिंग चलानी है, तो या तो ये है कि मैं लोन ले लूँ 5 लाख रुपए का और बढ़िया कोचिंग इस्टेब्लिश कर दूँ, या फिर मेरी जो नौकरी है 30,000 की उस नौकरी को मैं करता रहूँ धीरे धीरे, हर महीने 10,000 इकट्ठा करूँ, तो 5 साल बाद जब मेरे पास 50,000 रुपये होंगे 5 लाख रुपये होंगे तब मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट करूँ। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी नहीं देनी है आपको, मैनेजमेंट जो है आपकी मतलब परेशान नहीं करेगा। डिसएडवांटेज कि लिमिटेड स्केल कर सकते हैं हम, इतना पैसा होता नहीं है, है ना, पर्सनल फाइनेंशियल का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। क्राउड फंडिंग इन्वॉल्व्स रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, है ना, कंट्रीब्यूटर में रिसीव रिवार्ड और इक्विटी इन रिटर्न। तो क्राउड फंडिंग आप कर सकते हैं, शेयर की तरह शेयर आपने दिए लोगों को थोड़े थोड़े से और उनसे पैसा लिया। एडवांटेज ये है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल इन्वेस्टर आपको पता लग जाता है, है ना, जो आपके प्रोजेक्ट का वैलिडेट करता है। डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज होते हैं। डिसएडवांटेज होता है मे बी नॉट बी सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मे नॉट अट्रैक्ट ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये अट्रैक्ट नहीं करता है, जनरली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। इंटरनल फंडिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सच एज रिटेन्ड अर्निंग और फाइनेंस ए प्रोजेक्ट, तो आपकी जो अर्निंग हो रही है उसे वापस से आप री इन्वेस्ट कर दें। एक्सटर्नल डेप्ट नहीं लेना पड़ता, इक्विटी पर कंट्रोल रहेगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना है। डिसएडवांटेज लिमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल कैपेसिटी में इंपैक्ट अदर ऑपरेशन में लिमिट ग्रोथ, तो आपने आपकी जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है, कई बार ऐसा हो सकता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। लीजिंग डिस्क्रिप्शन, लीजिंग इन्वॉल्व्स रेंटिंग एक्सेस और इक्विपमेंट रादर देन परचेसिंग देम आउटराइट, तो ऐसा नहीं कि आपको जेसीबी खरीदनी है, मैन पावर खरीदनी है, आप उनको रेंट कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा वेयर हाउस है वो खरीदना है आप रेंट आउट। मैक्सिमम जो इंडिया में बिजनेस है वो रेंटिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि एक मान लो कोई ज़मीन है 2 बीघा ज़मीन है, 2-5 करोड़ रुपये लगाया उसकी जगह, मुझे वो आराम से कोई भी व्यक्ति है इसके पास ज़मीन है उस एरिया में, वो मुझे 50,000 रुपये महीने किराए पर दे देगा, तो 2 करोड़ रुपये को अगर मैं 1% ब्याज पर भी रखूँगा तो 2 लाख रुपये तो मेरा महीने का ऐसे ही आ जाएगा, तो उसकी जगह 50,000 रुपये किराया आराम से दे सकता हूँ, है ना। एडवांटेजेस, प्रिजर्व कैपिटल, जो कैपिटल बचाती है, ओनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बचाती है और रेगुलर अपग्रेड्स को भी अलाउ कर सकता है। डिसएडवांटेज, लॉन्ग टर्म कॉस्ट में एक्सीड द परचेज प्राइस, ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ती रहे, मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर सर्टेन, कुछ एसेट्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। मेज़नाइन फाइनेंसिंग इज ए हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट कंबाइंस एलिमेंट डेब्ट और इक्विटी, जिसमें आप कुछ जो पैसा है, है ना, कुछ ए अमाउंट जो है आप कर्जा लेते हो, बी अमाउंट आप इक्विटी से लेते हो। एडवांस बैलेंस रिस्क एंड रिवार्ड, फ्लेक्सिबल टर्म्स, पोटेंशियल फॉर इक्विटी कन्वर्जन, कभी भी आप उसको इक्विटी में कन्वर्स कर सकते हो, है ना, रिस्क और रिवॉर्ड आप आराम से देख के चेक करके ले सकते हो। डिसएडवांटेज ये कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होती है, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप ज़्यादा हो गया तो वो परेशानी कारण हो सकता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन सकता है। कंसिडरेशन इन चूजिंग फाइनेंसिंग मेथड, जो भी फाइनेंसिंग मेथड्स हैं उनको चूज करने के लिए हमें क्या क्या कंसिडरेशन करने पड़ते हैं। पहला है रिस्क टॉलरेंस, एसेस द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टॉलरेंस एंड चूज फाइनेंसिंग मेथड अलाइंड विद द रिस्क एपेटाइट, जो भी रिस्क है वो आपको चूज करना है ना, उसको देखना पड़ेगा कितना रिस्क आपका, कितना रिस्क एपेटाइट है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अब मैं 30,000 रुपीज़ महीना कमा रहा हूँ काम करके, है ना, अब मैं 5 लाख रुपये तक का मैं रिस्क ले सकता हूँ कि इनकेस अगर मान लो मुझे कुछ परेशानी हुई तो मैं 1-1.5 साल के अंदर जो है उसको पे को रीपेमेंट कर पाऊँगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवेल्यूएट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसोसिएटेड विद ईच फाइनेंसिंग मेथड कंसिडरिंग इंटरेस्ट रेट, इक्विटी डायल्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस, तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या क्या इंटरेस्ट रेट हो सकती है, इक्विटी डायल्यूशन कैसे हो सकता है। प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखना है, कंसिडर द नेचर, साइज, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल फाइनेंसिंग मेथड। आप छोटे टाइम के लिए आप लोन ले तो उसका इंटरेस्ट कम आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी पे जाओ। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, बी अवेयर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड कंस्ट्रेंट दैट में इंपैक्ट द चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग मेथड्स, है ना, तो जो जो भी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जिससे फाइनेंसिंग प्रभावित हो सकती है तो वो ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट गोल्स, अलाइन द फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज विद ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड
ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का आप लोन लिए जा रहे हैं तो वो परेशानी हो जाएगी। मार्केट कंडीशन, कंसिडर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन। तो जो जो भी फाइनेंसिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं उसको भी ध्यान में रखना है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बहुत गलत बात है आपके लिए। मैं 1 घंटे बड़े वीडियो बना रहा हूँ है ना, और लगभग 27वां वीडियो है, 27वां मतलब पार्ट है, 32 में से 4-5 पार्ट ही बचे हैं और वो भी छोटे छोटे ही हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एम्ड एट असेसिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट। तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखना है, इफेक्टिवनेस को देखना है, इम्पैक्ट को देखना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमें काम करना है ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन के बारे में। मॉनिटरिंग क्या होती है? मॉनिटरिंग इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन टू ट्रैक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मुझे 1 साल में यहाँ से इस ए शहर से लेके बी शहर के बीच में एक रोड चाहिए अगले 1 साल के अंदर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना। तो अब 1 महीना हो चुका है, तो 1 महीने तक मेरा सर्वे और जो सेंटर पॉइंट है वो डिसाइड हो जाने चाहिए थे। तो उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रैकिंग को प्रोसेस करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट देखना पड़ेगा और अर्ली वार्निंग साइंस को भी देखना पड़ेगा कि यार 1.5 महीना हो चुका, कुछ काम ही नहीं हुआ, तो एक वार्निंग साइन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा। इवेल्यूशन, डिफाइनिंग इवेल्यूशन इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स। इट एम टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, रिलेवेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इवेल्यूशन आपको टाइम टाइम जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्रॉपर असेसमेंट, सिस्टमेटिक असेसमेंट करना पड़ेगा है ना, जिसमें उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगेगा, एफिशिएंसी, रिलेवेंस और सस्टेनेबिलिटी का पता लगेगा। इसके लिए आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, जो भी लेसन पूर्व प्रोजेक्ट से लिए गए हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, जो जो भी एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया के उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है इम्प्रूवमेंट के लिए उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। की कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन, पहला इंडिकेटर्स, क्वांटिफाइबल मेजर्स यूज टू एसेस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो जो भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंडिकेटर्स के रूप में पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेसलाइन डाटा जो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि एयर क्वालिटी, सोइल क्वालिटी, जो भी बेस डाटा है ना, ट्रैफिक हो गया, वॉल्यूम काउंट हो गया, वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन के मेथड्स जो हैं वो आपके प्रॉपर होने चाहिए, जिसके अंदर सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और डॉक्यूमेंट्स का आप रिव्यू कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस जो हैं वो प्रॉपर टेक्निक्स से उसको एग्जामिन करना है, कलेक्टेड डेटा को उसका कंक्लूजन पे लेके आना है और इन्फॉर्म डिसीजन हमें बनाने हैं। रिपोर्टिंग करनी है, जैसे मैंने बताया फ्लाईओवर में आप एक ट्रैफिक अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम की समस्या आ रही थी, फिर आप फ्लाईओवर के ऊपर चले जाएंगे। रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, फाइंडिंग, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन टू स्टेक होल्डर थ्रू रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, अदर फॉर्मेट्स। तो आप रिपोर्ट्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, अदर फॉर्मेट्स के थ्रू आप स्टेक होल्डर्स को फाइंडिंग्स दे सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एमएनई, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, रेगुलरली मॉनिटर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ टू आइडेंटिफाई इश्यूज़ एज दे आर अराइज। जैसे जैसे इश्यूज़ आते जाते हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करते जाएं। फीडबैक आप है ना, फीडबैक मैकेनिज्म्स होने चाहिए आपके अंदर, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप टाइम टू टाइम फीडबैक ले पाएँ। प्रॉब्लम एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम टू एड्रेस इश्यूज एंड देयर सोर्सेज। तो मेन सोर्स क्या है इस प्रॉब्लम का और उसको कॉजेस क्या क्या हैं उसके, उसको आपको अंडरलाइन करना है। इम्पैक्ट, एसेस द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्ट आउटकम्स। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से उस प्रोजेक्ट के आउटकम्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो आपको इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है। प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम, सीवियरिटी एंड अर्जेंसी, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीवियरिटी एंड अर्जेंसी। कौन सी प्रॉब्लम को अभी के अभी एड्रेस करने की जरूरत है? मान लीजिए कोई अचानक से जैसे हाईवे का कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अचानक से प्रोजेक्ट आगे परेशानी आ गई किसी कारण से, या है ना किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, तो वो कितनी सीवियर है, कितना उसकी अर्जेंसी है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। इम्पैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑन द अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो हमें क्या करना है कि जो भी इम्पैक्ट्स हैं प्रॉब्लम अचीवमेंट के उसका स्पेशली ध्यान रखना है। जनरेटिंग सोल्यूशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एनकरेज टीम मेम्बर्स टू जनरेट क्रिएटिव सोल्यूशन। तो जो भी क्रिएटिव सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं टीम मेंबर्स के लिए, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हमेशा होने चाहिए, ताकि नए नए जो आज की तारीख में जो मेथड आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के उसकी तरफ हम काम कर सकें।
एक्सपर्ट कंसल्टेशन, जिसको इस एरिया में अच्छी एक्सपर्टाइज है ना, वो स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करके हमें वो उसके इनपुट हम ले सकते हैं। सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन फिजिबिलिटी एनालिसिस, एसेस द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सॉल्यूशन कंसिडरिंग रिसोर्सेज एंड टाइम एंड कंस्ट्रेंट। जो सॉल्यूशन दिया गया है वो कितना फिजिबल है। अब ऐसा तो नहीं है मान लो आपको छोटा सा गड्ढा खोदना है, अब एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप जेसीबी बुलाओ उससे खोद लो, अब एक मजदूर है वो 300 रुपये में काम कर देगा, अब जेसीबी आएगी तो वो आने के 1,000 रुपये तो वो पहले लेगा, है ना। 300 रुपये में आपका मजदूर दिन भर काम करके गड्ढा खोद देगा, लेकिन आप जैसे ही बुलाओगे तो आने के 800 रुपये, फिर वो 1 घंटा काम करेगा, उसके 1,000 रुपये तो 1,800 रुपये आपके लेगा, ठीक है ना। और टाइम उसको भी लग जाएगा कि 1 घंटे में पहुंचेगा, 2 2.5 घंटे में तो मजदूर गड्ढा खोद देगा, इतने में आएगी जाएगी तो काम हो जाएगा, है ना। तो हमें उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस करना है। पायलट टेस्टिंग इंप्लीमेंट सोल्यूशन होने स्मॉल स्केल बिफोर फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन, छोटे स्केल पर आप उसे लागू करके देखिए, अगर वहाँ सक्सेसफुल होता है तो फिर बड़े स्केल पर लागू कीजिए। मॉनिटरिंग सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक लूप्स, इस्टेब्लिश मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन थ्रू फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फीडबैक लेकर हम जो भी लूप होल्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। एडजस्टमेंट, बी प्रिपेयर टू मेक एडजस्टमेंट टू सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। जो जो भी मॉनिटरिंग हो रही है, जो जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करते हुए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लर्निंग एंड एडॉप्शन, लेसन लर्न, डॉक्यूमेंट लेसन फ्रॉम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स आपने लगाए हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करना है। अडॉप्शन, यूजिंग इनसाइट गेन फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अडॉप्ट प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज एंड इम्प्रूव फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हैं वहाँ से जो पुराने प्रोजेक्ट से जो हमें इनपुट मिले हैं उसको हम अडॉप्ट करते हुए काम चलेंगे। अगर हम इस टाइप से मान लीजिए कहीं गड्ढा खोदेंगे तो ये परेशानी हो सकती है। कम्युनिकेशन होना चाहिए इफेक्टिव जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना, ताकि हम जो भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाए, एक्नोलेज किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, द एनालिसिस कंडक्टेड एंड द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि भैया हमारा ये हमारे पास प्रॉब्लम आई, ये हमने इसका एनालिसिस किया, ये हमने इसका सॉल्यूशन दिया। एंड मॉनिटरिंग इवोल्यूशन रिपोर्ट, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन रिपोर्ट्स। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो एफर्ट्स हैं उसको मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन रिपोर्ट्स में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, फीडबैक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट फीडबैक एंड इनसाइट्स फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। तो एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस का पार्ट है। अडेप्टिव मैनेजमेंट, इम्बेलेंस अडेप्टिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करते हुए हमें काम करना है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन रिक्वायर्स ए प्रोएक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली एड्रेसिंग इमीडिएट चैलेंजेस बट आल्सो बिल्डिंग ए कल्चर एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो अगर आप प्रॉपर मॉनिटर एंड इवोल्यूशन करेंगे तो पूरे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट में एक लर्निंग का काम करेगा, उससे बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिल सकते हैं जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम आएंगे, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर इज देयर एबिलिटी टू नेविगेट अनसर्टेनिटीज एंड डिलीवर सक्सेसफुल आउटकम्स। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो टाइम टाइम पर क्या क्या परेशानी आ सकती है उसके लिए सक्सेसफुल आउटकम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आया है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो टेलीग्राम चैनल जो नहीं किया है तो कर दो यार, दोस्तों से भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।